उसने तत्काल नगाड़े बजाना बंद करने का आदेश दिया और वह अपने मित्रों को इस प्रकार संबोधित करने लगा। मेरा आदेश है कि वसुदेव की इन दोनों पुत्रों को तत्काल मथुरा से निकाल दिया जाए। उनके साथ आए हुए गोपों को लूट कर उनकी संपत्ति ले ली जाए। नंद महाराज को उनके धूर्त व्यवहार के लिए बंदी बनाकर उनका वध कर दिया जाए। दुष्ट वसुदेव का भी अविलंब वध कर दिया जाए। मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे शत्रुओं का पक्ष लेने वाले मेरे पिता उग्रसेन की भी हत्या कर दी जाए। जब कंस ने इस प्रकार के शब्द कहे तो श्री कृष्ण उस पर अत्यंत कुपित हो उठे। क्षण भर में ही वे कंस के ऊंचे मंच पर कूद पड़े। कंस श्री कृष्ण के आक्रमण के लिए तैयार था, क्योंकि उसे प्रारंभ से ही ज्ञात था कि श्री कृष्ण ही उसकी मृत्यु का कारण होंगे। उसने तत्काल अपनी तलवार मयान से निकाल ली और तलवार ढाल लेकर श्री कृष्ण की चुनौती का उत्तर देने को तत्पर हो गया। कंस अपनी तलवार ऊपर नीचे इधर उधर घुमा रहा था, तभी परम शक्तिमान भगवान कृष्ण ने उसे अत्यंत बलपूर्वक पकड़ लिया। जिनके नाभि कमल से संपूर्ण सृष्टि का प्रकाश होता है तथा जो संपूर्ण सृष्टि के आशय हैं, उन श्री भगवान ने तत्क्षण कंस के शीश पर से राजमुकुट को गिरा दिया और उसके लंबे केशों को अपने हाथों से पकड़ लिया। फिर वे कंस को उसके आसन पर से घसीटकर मल युद्ध के मंच पर ले आए और उसे नीचे फेंक दिया। तब श्री कृष्ण उसकी छाती पर चढ़ बैठे और बारंबार उस पर प्रहार करने लगे। केवल उनके मुष्टि प्रहार से ही कंस ने प्राण त्याग दिए। अपने माता पिता को कंस की मृत्यु का विश्वास दिलाने के हेतु उन्होंने कंस को उसी प्रकार घसीटा जैसे कोई सिंह किसी हाथी का वध करने के पश्चात उसे घसीटता है। यह दृश्य देखकर चारों ओर से कोलाहल होने लगा। कुछ लोग अपने हर्ष को व्यक्त कर रहे थे तो कुछ शोक के कारण क्रंदन कर रहे थे। जिस दिन से कंस ने यह सुना था कि उसका वध देवकी का आठवां पुत्र करेगा, तब से वह निरंतर 24 घंटे सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता था। भोजन करते हुए, चलते हुए, यहाँ तक कि श्वास लेते हुए भी वह श्री कृष्ण का चिंतन करता था। अतएव स्वाभाविक रूप से उसे मुक्ति का वरदान मिला। भगवद गीता में भी कहा गया है, सदा तद्भाव भावितः। किसी भी प्राणी को अगला जन्म वैसा ही प्राप्त होता है जिस प्रकार के विचारों में वह सदैव मग्न रहता है। कंस चक्रधारी श्री कृष्ण का चिंतन कर रहा था। इसका अर्थ है चक्र, शंख, गदा व पद्मधारी नारायण। आचार्यों के मत के अनुसार कंस को मृत्यु के उपरांत सारूप्य मुक्ति मिली, अर्थात उसे नारायण के समान रूप प्राप्त हुआ। वैकुंठ लोक में सभी वैकुंठ वासियों का रूप नारायण के समान ही होता है। मृत्यु के पश्चात कंस को मुक्ति प्राप्त हुई और उसे वैकुंठ लोक में स्थान मिला। इस घटना से हम समझ सकते हैं कि श्री भगवान का शत्रु के रूप में चिंतन करने वाला व्यक्ति भी मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करता है। तो फिर शुद्ध भक्तों का तो कहना ही क्या, जो सतत श्री कृष्ण के प्रति अनुकूल भाव से चिंतन करते हैं। श्री कृष्ण द्वारा मारा गया शत्रु भी मुक्ति लाभ करता है और निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में स्थान प्राप्त करता है। चूंकि श्री भगवान सर्वमंगलकारी हैं, अतः शत्रु अथवा मित्र किसी भी रूप में उनका चिंतन करने वाला व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है। किंतु भक्त और शत्रु को एक ही प्रकार की मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। शत्रु को साधारणतः सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है और कभी कभी उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है। कंस के 8 भाई थे, जिनमें से कंस बड़ा था, वे सभी उससे छोटे थे। जब उन्हें जानकारी मिली कि उनके ज्येष्ठ भ्राता का वध कर दिया गया है, तो वे सब मिलकर अत्यंत क्रोध में श्री कृष्ण का वध करने के लिए
उनकी ओर दौड़े। कंस तथा उसके भाई सभी श्री कृष्ण के मामा थे। वे सभी श्री कृष्ण की माता देवकी के भाई थे। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था तो वह मामा का वध था। यह कार्य वैदिक आदेश के विपरीत था। यद्यपि श्री कृष्ण सभी वैदिक आदेशों से स्वतंत्र है, तथापि वे वैदिक आदेशों का उल्लंघन केवल अनिवार्य स्थिति में ही करते हैं। कंस का वध श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता था, अतएव श्री कृष्ण को ही उसका वध करना पड़ा। किंतु जहाँ तक कंस के आठों भाइयों का संबंध था, उसके वध का कार्य बलराम जी ने अपने ऊपर ले लिया। बलराम जी की माता रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी तो थी, किंतु वे कंस की बहन नहीं थी। अतएव बलराम जी ने कंस के आठों भाइयों के वध का कार्य संभाला। उन्होंने तत्काल ही एक अस्त्र उठाया और उन आठों भाइयों का एक के बाद एक इस प्रकार वध कर दिया जैसे एक सिंह मृगों के झुंड का वध करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने इस कथन की पुष्टि कर दी कि श्री भगवान साधुओं की रक्षा और देवद्रोही तथा दुष्ट असुरों के नाश के लिए प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण और बलराम का अभिनंदन करते हुए स्वर्ग लोक से देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। सभी देवगण एकत्र होकर कंस की मृत्यु पर अपने हर्ष का प्रदर्शन करने लगे। उन देवताओं में ब्रह्मा तथा शिव आदि अत्यंत शक्तिशाली विभूतियां भी सम्मिलित थीं। स्वर्गलोक में दुदुम्भी बजने लगी तथा वहां से पुष्प वर्षा होने लगी। देवांगनाएं आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगी। कंस तथा उसके आठों भाइयों की पत्नियां अपने पतियों की अचानक मृत्यु से विषादग्रस्त हो गई। अश्रुधारा बहाते हुए वे अपने सिर पीटने लगी। कुश्ती के मंच पर रखे अपने पतियों के शरीरों का आलिंगन करती हुई वे उच्च स्वर में विलाप करने लगी। कंस तथा उसके आठों भाइयों की पत्नियां मृत शरीरों को संबोधित करती हुई इस प्रकार विलाप करने लगी। हे स्वामी, आप अत्यंत दयालु तथा आश्रितों की रक्षा करने वाले हैं। आपकी मृत्यु के उपरांत आपके घर व संतान सहित हम भी मृत हैं। हम अब सौभाग्यवती नहीं रही। धनुर्यज्ञ आदि जो भी मांगलिक कार्य संपादित होने वाले थे, वे आपकी मृत्यु के कारण बिगड़ गए हैं। हे नाथ, आपने निरअपराध प्राणियों को कष्ट दिया था, इसी कारण आपका वध हुआ है। यह तो अनिवार्य ही था, क्योंकि निरअपराध व्यक्ति को कष्ट देने वाला प्रकृति के नियम के अनुसार अवश्य ही दंड का भागी होता है। हमें ज्ञात है कि श्री कृष्ण भगवान हैं, वे परम स्वामी व परम भोक्ता हैं। अतएव जो उनकी सत्ता का तिरस्कार करता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता और अंततः आप ही के समान मृत्यु को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अपनी मामियों के प्रति दयालु एवं स्नेही थे, अतएव जहाँ तक संभव हुआ वे उन्हें सांत्वना देने लगे। तब मृत्यु के बाद की सभी शास्त्रोक्त विधियाँ श्री कृष्ण ने अपने व्यक्तिगत निर्देशन में संपादित कराई, क्योंकि वे सभी मृत राजाओं के भांजे थे। यह कार्य समाप्त करके श्री कृष्ण एवं बलराम ने कंस द्वारा बंदी बनाए गए अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को तत्काल ही मुक्त कर दिया। श्री कृष्ण एवं बलराम ने अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उनकी वंदना की। वसुदेव और देवकी ने इतने कष्ट सहे थे क्योंकि श्री कृष्ण उनके पुत्र थे। श्री कृष्ण के कारण ही कंस उन्हें सदैव कष्ट देता था। वसुदेव और देवकी को ज्ञात था कि श्री कृष्ण भगवान हैं, अतः यद्यपि श्री कृष्ण ने उनके चरण स्पर्श किए और उनको नमन व प्रणाम किया, तथापि उन्होंने श्री कृष्ण का आलिंगन नहीं किया, अपितु श्री भगवान के वचन सुनने के लिए वे खड़े हो गए। अतः यद्यपि श्री कृष्ण ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया था, फिर भी
वसुदेव और देवकी कृष्ण के वास्तविक पद को कभी भी भूले नहीं और उन्हें सदैव ही श्री कृष्ण के परमोत्कृष्ट स्थान का ध्यान रहता था।